नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार सोनी आप सभी का डाइट के इस डिजिटल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 के भाग 2 के अंतर्गत संसद के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो मुख्य विषय है वो है राज्य। अब राज्य राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है ये हम लोग 11वीं में पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि राज्य के चार अनिवार्य तत्व है, एक भूभाग, दूसरी जनसंख्या, तीसरी सरकार और चौथी और महत्वपूर्ण है संप्रभुता। ये राज्य के अनिवार्य तत्व। हम इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि राज्य जो है वो अमूर्त होता है और राज्य के उद्देश्यों लक्ष्यों आदि को मूर्त रूप जो प्रदान करते हैं सरकार। सरकार के अंतर्गत हम लोग जब बात करते हैं तो इनका मुख्य कार्य और इसके रूपों के बारे में बात करते हैं तो सरकार के अंतर्गत आती है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी किसी भी राज्य के अंदर उसकी पूरी व्यवस्था को अगर हम लोग देखें तो राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से राज्य के पास चार चीजें होनी बहुत जरूरी है, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। उसके बाद सरकार राज्य का मूर्त रूप है, राज्य अमूर्त है, सरकार मूर्त रूप है। राज्य के उद्देश्य, राज्य की योजनाएं, लोगों के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्य, इन सभी को जो मूर्त रूप प्रदान करती है सरकार। और उस सरकार के तीन अंग है, कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जिसको संसद भी कहते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कानूनों को बनाना या कानूनों का निर्माण करना। व्यवस्थापिका द्वारा कानूनों को बनाया जाता है। व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं, कार्यपालिका उन कानूनों को क्या करती है? लागू करती है। लागू करना। और न्यायपालिका का कार्य है कानूनों की व्याख्या करना। कानूनों की व्याख्या करना। अब व्यवस्थापिका के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। जैसे भारत में इसको संसद कहा जाता है, जापान में इसका नाम जो है वो है डायट, जर्मनी में इसको बुंदे स्टाग कहते हैं, अलग अलग के देशों के अंदर अलग इसके नाम है। हम लोग भारत के संदर्भ में संसद के बारे में बात करेंगे। भारत के अंदर संसद जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 के अंदर है, अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है और ये कहा गया है कि भारत की संसद राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। एक बार पुनः देखिए, संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में है जिसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि भारत की संसद राज्यसभा
लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। लोकसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में, सॉरी राज्यसभा का उल्लेख जो है वो संविधान के अनुच्छेद 80 में, लोकसभा का 81 में और अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद की जो है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। इन तीनों से मिलकर और भारत की संसद बनती है। अब संसद का सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है, जिसको हम सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद। चाहे वह राज्यसभा का सदस्य हो चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो, दोनों क्या कहलाते हैं? सांसद कहलाते हैं। कौन व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, इसके लिए अनिवार्य शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त है वह भारत का नागरिक हो। ध्यान से सुने, सबसे पहली शर्त वह भारत का नागरिक हो। यदि वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य है तो उसकी आयु 30 वर्ष, और यदि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य है तो उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वह विकृत चित्त का, पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली किसी भी तरह की आपराधिक पृष्ठभूमि उसकी नहीं होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है। राज्यसभा, जिसको हम राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा कहते हैं, और लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, इन दोनों में अंतर क्या है? राज्यसभा का जो चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा, जो लोकसभा क्षेत्र है भारत के, वहां से जनता के द्वारा सीधे चुनकर आते हैं। इनकी संख्या के बारे में हम देखें तो राज्यसभा के सदस्य जो है उसकी वर्तमान संख्या जो है 245 है, लोकसभा की 545 सदस्य संख्या है। राज्यसभा के अंदर 245 सदस्य, लोकसभा में 545 सदस्य। राजस्थान से लोकसभा के राज्यसभा के सदस्य जो है वो 10 निर्वाचित होते हैं और लोकसभा से 25। तो ये जो प्रारंभिक बात हमने कही है सरकार के बारे में, सरकार के तीन अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिनका कार्य कानूनों को बनाना, कानूनों को लागू करना, कानूनों की व्याख्या करना, और संसद, जिसको जापान में डायट, जर्मनी में बुंदेशका और भारत में संसद कहते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इनके सदस्य संख्या राज्यसभा की 245 वर्तमान में, लोकसभा की 545। आने वाले वीडियो के अंदर हम एक एक सदन के बारे में बात करेंगे, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, इनके कार्यों के बारे में। धन्यवाद।